अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप के सब ठीक ठाक होंगे। जब हम स्किन को व्हाइट करने की बात करते हैं तो हमारे दिमागों में पहली बात क्या आती है? हमारे दिमागों में सबसे पहले आता है व्हाइटनिंग क्रीम, कि हम कोई भी व्हाइटनिंग क्रीम ले लें तो फिर हम स्किन जो है वो व्हाइट कर लेंगे, हमारा फेस उससे जो है वो चिट्टा गोरा हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, रिव्यूज चेक करते हैं, यूट्यूब पे चेक करते हैं, इंस्टा पे पेजेस होते हैं उनको देखते हैं, लेकिन अब फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हम कौन सी क्रीम लें, क्योंकि बहुत सारी व्हाइटनिंग क्रीम है, तो हमें कैसे पता चलेगा जी हम पे कौन सी क्रीम जो है वो अच्छा रिजल्ट देगी। तो मैंने भी एक क्रीम, व्हाइटनिंग क्रीम जो है वो ऑर्डर की थी, मुझे रिसीव हो चुकी है। लिप ग्लो स्किन व्हाइटनिंग क्रीम है, और ये वाली जो क्रीम है ना, ये मैंने खुद ही बाय की है, 1300 रुपीज़ की, 1350 रुपये की। तो इसको मैंने यूज़ किया है, लेकिन इसको मैंने मुझे यूज़ करते सिर्फ एक ही दिन हुआ है, ठीक है? अभी अभी मैंने कल ही इसको यूज़ किया, ये नाइट टाइम यूज़ करनी है, लेकिन मैंने नाइट में भी इसको यूज़ किया है और आज सुबह भी इसको लगाया था। क्यों? क्योंकि मुझे 7-8 डेज के बाद इसका रिव्यू भी करने हैं, आप लोगों को बताना है। बहुत सारे लोगों को मैंने विंसी क्रीम जो बताई थी, उन लोगों ने पॉजिटिव फीडबैक दिया है। एक दो ने ये भी कहा है कि आप ही ये हमें सूट नहीं करती, तो हमारी स्किन जो है वो एक्नी वाली है, ज्यादा एक्नी वाली है, आप हमें कोई और क्रीम बताएं। अब मैंने ये ऑर्डर की है आजादी सेल से, अब देखेंगे कि इसका क्या रिजल्ट है। अभी तो सिर्फ मैंने एक दिन यूज किया है, इंस्टा पे मैंने स्टोरी भी ऐड कर दी थी और बॉक्स जो था वो भी दिखा दिया था कि प्राइस के साथ कि मैंने खुद बाय किया है, कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। दूसरे नंबर पे बात कर लेते हैं कि आपने कौन सी क्रीम बाय करनी है, आपने क्या करना है, आपने चेक करनी है आपकी स्किन टाइप कौन सी है, ठीक है? फिर अगर ऑयली स्किन है तो जिन लोगों की ऑयली स्किन है उनके रिव्यूज देख लेने हैं, या जिन लोगों की अगर ड्राई स्किन है तो ड्राई स्किन वालों की को फॉलो करना है। अब ये नहीं है कि कोई भी स्किन टाइप है आप बस आराम से लगा लें, कुछ क्रीम्स होती है ना वो ऑल स्किन टाइप्स के लिए होती हैं, वो सेफ होती हैं, डर्माटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड होती हैं, तो वो आप लगा सकते हैं। इसमें मसला ये है, आप लोगों को सही से समझ नहीं आती कि हमने क्रीम को यूज कैसे करना है, आप इसी चीज के पीछे भागते रहते हैं कि अच्छा हमने फलानी क्रीम यूज की थी तो हमें ओपन पोर्स हो गए, अच्छा हमने वो चीज किया था तो एक्नी हो गई, लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता कि आप सही से यूज नहीं करते। स्किन केयर भी किसी चीज का नाम है, जब आप व्हाइटनिंग क्रीम यूज करना शुरू कर देते हैं, अपनी स्किन के साथ जो है वो छेड़छाड़ी करते हैं, तो फिर आपको जो है स्किन की केयर भी उतनी ही करनी पड़ेगी। व्हाइटनिंग क्रीम जो लोग यूज कर रहे हैं वो अलर्ट हो जाएं। अब मैं आप लोगों को चीजें बताऊंगी जो आपने व्हाइटनिंग क्रीम यूज करने के साथ साथ करनी है, तो आपकी जो स्किन है ना वो बहुत अच्छी हो जाएगी। सबसे पहले तो व्हाइटनिंग क्रीम ही लगा लेते हैं, ठीक है? मैंने पहले भी लगाई है लेकिन अभी दोबारा से मैं लगा रही हूँ, मुझे जी इसका रिजल्ट चेक करना है एज सून पॉसिबल, क्योंकि मुझे जो है इसका एक तो खुद भी चेक करना है, वाइट करना है कि कितने कितना इसका रिजल्ट है, दूसरा ये मुझे आप लोगों को भी बताना है। अभी 7-8 दिन लगाऊंगी इसको, क्योंकि मैं डबल लगा रही हूँ, इस वजह से 7-8 दिन काफी होते हैं किसी भी क्रीम के रिजल्ट को चेक करने के लिए। क्रीम जो है मेरे फेस पे अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो चुकी है, 2-3 मिनट लेती है, लेकिन उसके बाद जो है बिल्कुल ठीक हो जाती है और कोई चिपचिपापन कुछ भी नहीं होता। तो दूसरे नंबर पे हम क्या चीज़ यूज़ करेंगे, हम सनब्लॉक यूज़ करेंगे। जब भी आप बाहर निकलेंगे तो आपने सनब्लॉक लाजमी लगाना है, ठीक है? SPF 50 है ये, और ये ओरिफ्लेम का है, ये मैं यूज़ करती हूँ जब भी बाहर जाती हूँ। तो आपने दिन के टाइम जब भी बाहर जाना है तो आपने सनब्लॉक लगाना है, या फिर जब आपने किचन में जाना है हंडिया बनाना है तो फिर तब भी आपने सनब्लॉक लगाना है, स्पेशली जब आप नाइट क्रीम यूज़ कर रहे होते हैं। तो अब नाइट क्रीम तो यूज़ करनी है, लेकिन कुछ हिलजुल के काम भी तो करना पड़ेगा, ये नहीं है कि आप अपनी स्किन को तबाह कर दें। अब तीसरे नंबर पे जो चीज़ आपने यूज़ करनी है वो नायासिनामाइड सीरम है, किसी भी आप कंपनी का यूज़ कर सकते हैं, मैं ऑर्गेनिक ट्रैवलर का यूज़ करती हूँ, ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, नायासिनामाइड सीरम, ठीक है? इसकी साथ में पिक्चर अटैच कर दूंगी, कुछ लोगों को अगर नाम नहीं पता चलता इसका, तो ये ओपन पोर्स को क्लोज करने के लिए होता है। अगर आपके ओपन पोर्स हो भी जाते हैं, ठीक है, लेट सपोज कोई भी आप क्रीम यूज़ करते हैं नाइट क्रीम, तो थोड़े बहुत अगर हो भी जाते हैं, तो साथ में अगर आप स्किन केयर में ये चीज़ ऐड करेंगे तो आपके ओपन पोर्स जो है बिल्कुल भी नहीं होंगे, और आपकी जो क्रीम है उसका रिजल्ट डबल हो जाएगा। जब भी ओपन पोर्स होते हैं आपकी क्रीम उस तरह से वर्क नहीं करती, तो आपने कोशिश ये करनी है कॉम्बिनेशन के साथ जब भी आप नाइट क्रीम यूज़ करें, आप ओपन पोर्स के लिए कोई भी नायासिनामाइड सीरम यूज़ कर सकते हैं, चाहे ऑर्गेनिक ट्रैवलर का ले लें, ऑर्डिनरी का ले लें, या ग्लोगैनिक का, जिसका आपका दिल करता है आप ले सकते हैं, ठीक है? और लास्ट में जब आप क्रीम यूज़ करते हैं तो आपने फेस मास्क लाजमी लगाना होता है, चाहे आप रेमेडीज वाला फेस मास्क लगाएं घर पे बना के, चाहे आप मार्केट बेस्ड फेस मास्क लगाएं, लेकिन आपने ज़रूर लगाना है फेस मास्क, कि कोई भी आप लगा सकते हैं, ये नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप यही लगाएंगे,
बट आपने अपनी स्किन की हद में जब आप नाइट क्रीम यूज कर रहे हैं तो आपने ये चीज लाजमी ऐड करनी है कि आपको किसी भी किस्म की परेशानी ना हो और आपका काम भी हो जाए, मतलब आपकी स्किन जो है वो ग्लो भी करे, स्किन वाइट भी हो और आपकी जो है वो सब पूछें फिर कि आपने क्या लगाया है। अब मुझे पसीना इसलिए आ रहा है कि मैंने फैन ऑफ किया हुआ है वीडियो बनाने के लिए, अगर फैन ऑन करती हूँ तो उसकी आवाज इसमें आ जाती है। अच्छा जी, आप लोगों ने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये जो क्रीम है जिसका मैंने आप लोगों को बताया है, ये मैं कुछ दिन के बाद इसका प्रॉपर रिव्यू दूंगी कि क्या इसने वर्क किया है या नहीं, क्योंकि मेरी सिस्टर भी इसको यूज़ कर रही हैं। 4-5 दिन उनको हो गए, उन्होंने पहले ऑर्डर की थी, उसके बाद अब मैंने ऑर्डर की है, तो हम दोनों मिल के बताएंगे अपना रिव्यू कि क्या है इस क्रीम के बारे में। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जो है वो लाजमी कर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।